छोटे पर्दे पर नाम और शोहरत कमाने वाले बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत की खबर ने पिछले साल सबका दिल दहला दिया था। सिद्धार्थ अकेले नहीं है जो इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। आंकड़ों के अनुसार हर रोज 40 साल से कम उम्र के 900 लोग हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना उन लोगों को ज्यादा होती है जिनकी फैमिली में ये बीमारी पहले से चली आ रही हो। 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत के लिए फैमिली हिस्ट्री के अलावा लाइफस्टाइल और खान पान भी जिम्मेदार है। आइए जानते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं। दरअसल अल्कोहल और स्मोकिंग की आदत कम उम्र में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग इन नशीली चीजों के आदि होते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये आदतें इंसान के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसी बीमारी के लक्षण पैदा कर देती है। बॉडी में लक्षण पैदा होने के साथ ही बॉडी में फैट बनने लगता है और कोरोनरी हार्ट बीमारी हो जाती है। ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है जिसका सीधा असर ब्लड वेसल्स पर पड़ता है जिससे हार्ट पंपिंग शुरू हो जाती है। इससे हार्ट अटैक होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। आजकल ज्यादातर युवाओं ने जंक फूड को अपनी डाइट का अहम हिस्सा बना लिया है। तली हुई मसालेदार चीजों का अधिक इस्तेमाल करते हैं, इससे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है जिसका सीधा असर दिल पर पड़ता है। 30 से 45 की उम्र वाले लोग अपनी लाइफस्टाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते। सारा टाइम ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद भी वो घर वापस आकर भी फोन पर लगे रहते हैं। वर्कलोड का सीधा असर ब्लड वेसल्स पर पड़ता है और इसी के कारण युवा पीढ़ी और मिडिल एज के लोग ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। मेडिकल जनरल लॉन्सेट की रिपोर्ट के अनुसार साल 1990 से लेकर साल 2016 के बीच भारत में हार्ट अटैक के मामलों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 में से 28 लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मर रहे हैं। इसमें से हार्ट अटैक से करीब 18 लोगों की मौत होती है। अहम बात यह है कि इसमें 50% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 से भी कम है। इसमें भी एक बड़ी संख्या 50 साल से कम उम्र के आसपास के लोगों की है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर जो क्लॉटिंग होती है वह किसी दूसरे अंग में रहती है और वह रियल टाइम में जाकर दिल को खून पहुंचाने वाली धमनियों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अचानक दिल का दौरा पड़ता है और इसका अंदाजा पहले से लग नहीं पाता। ये ऐसे लोगों को ज्यादा होता है जिनके दिल को खून पहुंचाने वाली धमनियों में पहले से ब्लॉकेज हो। ऐसे में जब ब्लॉकेज दूसरे अंग से अचानक पहुंचता है तो उस इंसान को मौका ही नहीं मिल पाता है, जिसे थंबोलाई कहा जाता है। अटैक का मूल लक्षण यही है कि वह कोई चेतावनी नहीं देता है। 50-60% हार्ट अटैक ऐसे होते हैं जिसमें पहले से मरीज को कोई चेतावनी नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज 20-30% पहले से होता है, लेकिन जैसे ही शरीर में कुछ बदलाव होते हैं वही सब फट जाता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट अटैक आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।